गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन्स द सेल थ्योरी। इन द प्रीवियस लेक्चर वी शुड डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड टॉपिक सेल, एंड नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट द सेल थ्योरी। इन 1855 द सेल थ्योरी वाज फर्दर मॉडिफाइड, इंक्लूड एन एक्सप्लेनेशन दैट सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मीन्स क्या है कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि इन 1855 में एक नया थ्योरी दिया गया था सेल का बच्चों, जिसमें ये बताया गया था कि सेल किससे बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। मीन्स कि एक पुराना सेल से एक नया सेल बनता है, इन सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो, ठीक है। और ये वाला जो थ्योरी था बेटा, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी था। इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड, इसमें क्या बताया गया था कि ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप सेल विच आर स्ट्रक्चर फंक्शन नीड ऑफ लाइफ। मतलब क्या है कि हम आपकी बॉडी ले लो बेटा, आपकी बॉडी जो पूरी तरह किसकी बनी हुई है, सेल की बनी हुई है, और इसलिए ये क्या, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए साथ साथ हमारी जो हम लाइफ एग्जिस्ट कर रही हैं, हम सांस ले रहे हैं एक्सेट्रा, वर्क कर रहे हैं, वो किसके करके है बेटा, ये सेल करके, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखो, न्यू सेल अराइसिस फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग। सबसे पहले देखो बच्चे क्या होता है, एक मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल पहले अपना शेप चेंज करता है, ठीक है, फिर ये क्या करता है, अपने अंदर से ये एक नया सेल को डेवलप करता है, और ये फर्दर ये दो अलग सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ सेल। ऑल सेल्स आर सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट नॉट इन आइडेंटिकल। सभी सेल बेटा दिखने में भी तो सेम होते हैं, स्ट्रक्चर भी तकरीबन सबका सेम होता है, बट ये आइडेंटिकल मतलब एक जैसे नहीं होते। आइडेंटिकल मतलब जैसे हमारी फेस नहीं सेम होता ना, चाहे आप ब्रदर हो सिस्टर हो, आप सेम फैमिली के हो, बट आपके फेस क्या होते हैं, सेम नहीं होते। उसी तरह बच्चे क्या होता है, सेल में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। दे डिफर इन साइज एंड स्ट्रक्चर। द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल इन बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म डिटरमाइन द स्ट्रक्चर। क्या बोलता है कि द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स क्या है बच्चे देखो, जितना ज़्यादा सेल का नंबर होगा बॉडी में, उतना ही बड़ा वो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म होगा। मीन्स आप देखो, हाँ ये बेटा डिपेंड नहीं करता, जैसे आप एक हाथी ले लो, एक चूहा ले लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाथी के बॉडी में बड़े बड़े सेल होंगे, चूहे की बॉडी में छोटे छोटे सेल होंगे। सेल दोनों में एक जैसे होंगे, बराबर साइज के होंगे, बट होता क्या है दोनों में कि हाथी के बॉडी में जो होता है बच्चे, सेल के जो नंबर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो चूहे की बॉडी में होता है बच्चे, वो नंबर बहुत कम होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल इन बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म डिटरमाइन स्ट्रक्चर, ये तो कर लिया हमने। द वे एन ऑर्गेनिज्म फंक्शन डिपेंड अपॉन वे ऑफ सेल वर्क, कि वे ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ फंक्शन, मतलब जो हमारे बॉडी में ऑर्गेनिज्म मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, वो किस तरह काम करेंगे, वो डिपेंड करता है कि सेल कैसे काम करता है। लेट अस नाउ फाइंड द मोर अबाउट सेल्स। द शेप ऑफ सेल, मतलब एक चीज है बच्चे कि शेप ऑफ सेल भी डिपेंड करता है और अलग अलग होता है। जैसे कि सेल वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे बॉडी में जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनके अकॉर्डिंग सेल के शेप या साइज बदलते रहते हैं। इन मोस्ट केसेस द शेप इज राउंड, काफ़ी ज़्यादा केसेस में क्या होता है, ये राउंड शेप का होता है, ठीक है। हाउएवर इन सम केसेस में ये इरेगुलर शेप का होता है, और जैसे एग्जांपल के लिए अमीबा में क्या है बच्चे, अमीबा में क्या है, अमीबा में वायरस बैक्टीरिया की बात कर लो, इसकी शेप क्या है बच्चे, रोड लाइक मतलब इस तरह का, ठीक है, रोड लाइक शेप होता है, ठीक है। स्पायरल होता है, कोमा शेप्ड होता है, कोमा शेप्ड इसको बोलते हैं, ठीक है, कोमा शेप्ड होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मसल सेल जो होता है एंड नर्व सेल ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चा, ये जो ऊपर एग्जाम्पल दिए, ये जो ऊपर सेल्स के शेप्स बताए, इनमें एग्जाम्पल क्या है, ये मसल सेल और नर्व सेल्स के ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म मीन्स बच्चे जिसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, ठीक है, एक होता है यूनिसेलुलर जिसमें एक सेल होता है, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा सेल वाले। शेप ऑफ द सेल मे बी वेरी कंसिडरेबल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उनमें शेप भी अलग अलग होते हैं, उनमें जो शेप होता है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि अभी आपने कहाँ पे थे कि शेप ऑफ जो इनकी शेप होती है वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की होती बैठे, वो भी अलग अलग होती है। जैसे कि हमने अभी क्या पढ़ा था, मे बी ये फ्लैट हो सकते हैं, कॉमलर हो सकते हैं, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल मतलब एग लाइक शेप, ठीक है।
स्पाइंडल शेप होता है, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब, देखा है ना आपने क्यूब जैसी शेप, क्यूब देखा है ना आपने क्यूब शेप, एक छोटी सी ना, आप ऐसा करना शुगर का क्यूब उठाना छोटा सा, और उसका जो शेप होता है ना बेटा वो क्यूबॉइडल शेप उसे ही बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे द साइज ऑफ सेल आल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, जो साइज ऑफ सेल होते हैं बच्चे वो भी वो और कहाँ वेरी करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म मतलब कि अब आपके बॉडी में कितने सारे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है बच्चे, और डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनिज्म कौन सा, उनमें भी शेप ऑफ जो सेल होता है बच्चे मतलब साइज ऑफ सेल जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि आपके जो नर्व सेल, अब ह्यूमन बॉडी की बात कर लो तो ह्यूमन बॉडी में बेटा नर्व सेल का जो नर्व सेल में जो सेल होता है बेटा वो सबसे लंबा सेल होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए और बेटा और इतना बड़ा सेल होता है कि इसको आप सिंपल आईज से भी देख सकते हो, और बाकी सेल आईज से नहीं, सिंपल आईज से नहीं देखा जाता, उसको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जो ओस्ट्रिच का एग होता है बच्चे उसका सेल सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है, और ये ईजिली हम आप इसे देख सकते हो, ठीक है। और बाकी सेल जो होते हैं बट इतना ज़्यादा छोटे होते हैं कि उनको माइक्रोस्कोप के बिना देखा ही नहीं जा सकता, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट देखो माइक्रोमीटर, और क्यों नहीं देखा जाता बेटा इसका साइज कितना, तो माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का देखो, माइक्रोमीटर का मतलब होता है बेटा कि 0.0000, ये मतलब पॉइंट के बाद कितने सारे जीरो के बाद रकम होता है। आप खुद देखो ना, वन मीटर है, आपने वन मीटर साइज देखा होगा, वन सेंटीमीटर भी देख लोगे पर माइक्रोमीटर आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। माइक्रोमीटर काफी ज्यादा छोटा था, आपके बाल से भी 100 टाइम छोटे होते हैं सेल्स, ए फ्यू थाउजेंड्स ऑफ मिलीमीटर अक्रॉस। और अब एग्जांपल नहीं बेटा देखो, सम प्लांट सेल और एनिमल सेल्स का क्या होता है, ये विजिबल नेक्ड है, कुछ प्लांट्स और एनिमल सेल्स के भी सेल्स होते हैं जिन्हें हम इजिली देख सकते हैं, उनके जो साइज होते हैं बच्चे 0.2 माइक्रोमीटर से 5.0 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी कि ये भी काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। इन प्लांट सेल क्या होता है, लार्जेस्ट सेल को क्या बोलते हैं, ओवल बोलते हैं, ठीक है बेटा, यानी कि ठीक है बच्चा। और जो सेल्स ऑफ एल्गी होता है, एल्गी आपने कभी भी ना पानी, जहाँ पे ज़्यादा पानी गिरता है ना वहाँ आपके आसपास के अपने सरफेस पे देखा होगा ना ब्लू ब्लू कलर का ना एक दाग सा जम जाता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, ब्लू एल्गी, ठीक है बेटा, वो पानी में ही पैदा होता है, ठीक है। और ये एंड फाइबर ऑफ मैनीला हैम्प आर द ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ होता है। सम सेल्स आर वेरी लॉन्ग, और कुछ सेल्स होते हैं बच्चे वो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमन सेल में नर्व सेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। द डिफरेंस ऑब्जर्व इन द साइज ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन दम। और देखो बच्चे, और मैंने जैसे बताया था ना कि जितना बड़ा किसी का बॉडी होता है वो डिपेंड करता है उसमें कितने ज़्यादा सेल्स है, ठीक है। द लार्जर द सेल नंबर ऑफ द बिगर साइज, मतलब जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा बिगर वो होगा, और जितना छोटा सेल होगा उतना ही वो साइज में छोटा होगा, ठीक है बच्चे। फॉर एग्जांपल के लिए सेल ऑफ किडनी एंड लीवर ऑलमोस्ट सेम, इस करके हमारे सेल ऑफ किडनी और लीवर होता है उनका साइज सेम होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ सेल इन मोस्ट मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इनडेफिनेट, और काफ़ी सारे नंबर ऑफ जो सेल होते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बच्चे वो ऑर्गेनिज्म मतलब वो, अब देखो बच्चे कुछ ऐसे चीज़ भी हैं जैसे कि वायरसेस होते हैं, अमीबा होते हैं, बेटा उनमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है, ठीक है बच्चे, और पर जैसे ह्यूमन बॉडी एक्सेट्रा इनमें काफ़ी सारे सेल पाए जाते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ सेल इन मोस्ट मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इनडेफिनेट मतलब उनकी शेप अलग अलग होती है, वेरीज विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इनमें जो शेप होता है वो अलग अलग होता है डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन सम ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, और उनमें जो बच्चे नंबर ऑफ सेल होता है फिक्स होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेंड्रोइना, इधर नंबर ऑफ सेल क्या होता है उसमें 8, 16, 32, 64, ठीक है। एड्रेना होता है इसमें सेल का, मतलब इनमें नंबर ऑफ सेल फिक्स है, इसमें नंबर ऑफ सेल इतने होते हैं फिक्स है बच्चे, इसमें नंबर ऑफ सेल इतने होते हैं। इन ह्यूमन जो होता है इसमें 100 ट्रिलियन के अराउंड सेल्स होते हैं, मतलब सेल्स के नंबर फिक्स है, इससे ज़्यादा या कम उनमें नहीं हो सकता, मतलब कम। अब ये फिक्स का मतलब क्या है कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में कुछ भी हो सकता है, इस रेंज से इस रेंज के बीच में कुछ हो सकता है, और इसके रेंज में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसके रेंज में हो सकता है, ठीक है बच्चे। द माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है वो यूनिसेलुलर है, मतलब उसके बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है, ठीक है। बिसाइड द शेप साइज वॉल्यूम थ्री मेजर फंक्शंस ऑफ द सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस। इसके नेक्स्ट बच्चे हमने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करना है, ओके बच्चे, थैंक यू फॉर टुडे।